नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं भास्कर हिंदी। उत्तर प्रदेश में सियासत का खेल बहुत जोर शोर से जारी है और पिछले 24 घंटे से सियासत के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ काशी है। अब काशी मोदीमय है या मोदी जी काशीमय है, फिलहाल इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन काशी और मोदी फिलहाल एक साथ इस सियासी कश्ती पर सवार हैं, गंगा की लहरों पर सवार हैं और गंगा की लहरें जो हैं वो सियासत की धारा में तब्दील हो चुकी हैं। वैसे जो उत्तर प्रदेश की सियासत रही है उसके केंद्र में हमेशा से अयोध्या रहा है, पर अयोध्या का मुद्दा अब तकरीबन खत्म है। वहां मंदिर बनने का रास्ता साफ हो चुका है, रामलला को उनकी जन्मभूमि पर हक मिल चुका है। अब हक की लड़ाई मथुरा में जारी है, जहां पर कृष्ण लला की जन्मभूमि का मुद्दा उठाया जाने लगा है। नारा भी फिजाओं में गूंज ही रहा है कि अयोध्या काशी जारी है, मथुरा अभी बाकी है। पर ये मथुरा जिस हिसाब से काशी में सियासत इतनी तेजी से जोर पकड़ रही है, उसे देखते हुए लगता है कि मथुरा फिलहाल जारी रहेगा और शायद आगे आने वाले चुनावों की नींव पुख्ता करेगा। फिलहाल सारा केंद्र काशी पर सिमटा हुआ है। पर क्या ये काशी पहली बार उत्तर प्रदेश में इतनी इम्पोर्टेंस बटोर रही है या पहले से न सिर्फ बीजेपी बल्कि दूसरे सियासी दलों के लिए भी काशी का महत्व उतना ही ज्यादा रहा है, ये सवाल बड़ा है। क्योंकि अब से पहले 5 साल पहले जब कांग्रेस ने अपने चुनावी प्रचार की नींव रखी थी, तब कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी काशी ही सबसे पहले पहुंची थी। हालांकि उद्देश्य अलग अलग है, जब बीजेपी काशी की बात करती है तो बात हिंदुत्व की होती है, बात धर्म की भी होती है और ये सब चाहे अनचाहे केंद्र में आ ही जाता है कि अब सारा जो चुनाव है वो योगी और सारे विकास के मुद्दों से हटकर मोदी जी की शक्ल पे लड़ा जाएगा, हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ा जाएगा और धीरे धीरे ये चीजें और सियासी पटल पर आती हुई नजर आएगी। पर 5 साल पहले जब सोनिया गांधी काशी की धरती पर पहुंची थी, मौका यही था उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, लेकिन उस समय न इस तरह का वो नजारा खींच पाई थी और न इस तरह से क्राउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाई थी। लेकिन उनकी रैलियां, उस समय जमा हुए वहां लोग इस बात का साफ इशारा करते हैं कि सोनिया जी ने कोशिश पूरी की थी। उस समय के कांग्रेस नेता राज बब्बर के ट्वीट पर उनकी मौजूदगी के निशान भी साफ नजर आते हैं। उनका भी कार्यक्रम तय था कि वो काशी विश्वनाथ की धरती पर जाएंगी, दर्शन करेंगी, पर अफसोस ऐसा हो नहीं सका। उनकी तबीयत ऐन वक्त पर खराब हो गई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। संयोग देखिए कि उनकी वापसी के लिए और डॉक्टरों से जो पूरा कार्रवाई आगे करानी थी उनके इलाज को लेकर, वो सब उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी ने ही करवाई, वो सांसद भी है यहाँ से इसीलिए। तो उसके बाद पीएम मोदी की मदद से सोनिया जी वापस लौटी और उनका इलाज शुरू हुआ। पर ये सवाल जरूर खड़े रह गए कि क्या उस वक्त सोनिया जी वहां पर इसी तरह से लोकप्रियता बटोर पाती और अगर बटोर लेती तो क्या कांग्रेस जो इतनी कम सीटों पर सिकती है उत्तर प्रदेश में, उसका सियासी भविष्य कुछ और हो सकता था। और अब जो इस बार काशी से दूरी बनाई हुई है पूरी कांग्रेस ने, उसकी वजह क्या है? नमस्कार।